अम्बेडकर एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 1954 में मुंबई में हुआ। मेधा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अध्ययन किया और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापना की। नर्मदा बचाओ आंदोलन आज भी नर्मदा के बांधों से विस्थापित किए गए लोगों के हकों के लिए लड़ रहा है। उसके बाद मेधा ने जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की सह संस्थापना की, जो कि विकास परियोजनाओं के कारण पीड़ित लोगों के हक के लिए संघर्षरत है। मेधा ने घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की स्थापना भी की है। मेधा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड और मदर तेरेसा सोशल जस्टिस अवार्ड। नमस्कार मेधा जी, आपका स्वागत है अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम बनाया इसके लिए। तो बचपन से सबसे पहली और पुरानी याद क्या होगी आपकी, अहिंसा के असूल या उसके अनुभव के बारे में? हमारे माँ के परिवार में ही कुछ विवाद हुआ था और उस समय मेरी बूढ़ी नानी जो थी उनके साथ कोई परिवारजन थोड़ा सा दुर्व्यवहार करने वाले थे, मतलब एक शब्दों का दुर्व्यवहार जिससे भी एक प्रकार से आक्रमण होता है। लेकिन मेरी माँ ने सभी को रोक दिया था और मेरी नानी को खास करके बताया था कि आपको तो कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए ऐसे मौके पर, और बस चुप बैठो शांत बैठो। ये मेरे जहन में बहुत गया था, ये मुझे याद है। दूसरा कि हम लोग एक बहुत छोटी से चाल में रहते थे, तो जो एक राजस्थानी मालिक थे वो काफी बूढ़े थे, बहुत गुस्सा होते थे और उस चाल के हर क्या बोलते हैं रेंटल पर रहने वाले भाड़ोती के साथ उनका विवाद होता था। पर हमारे घर में कायम ये हमको संदेश था कि कोई भी उस झगड़े में ना पड़े। तो इस प्रकार से हर बार यही था कि हमको प्रतिक्रिया कहाँ देनी चाहिए और कहाँ नहीं देनी चाहिए। जहाँ भी एक हिंसक रूप है वहाँ हम लोगों को शांत रहना चाहिए, यही कायम का संदेश था। और उसके बदले दूसरी बात ये कि मेरे पिताजी कभी कभी बहुत गुस्सा होते थे, माँ पर भी गुस्सा होते थे, क्योंकि कार्य के बीच में जो समाजवादी विचारधारा के थे तो माँ कुछ बोलती थी तो उसको बहुत करारा जवाब देते थे। जैसे एक बार मुझे याद है, जो अभी मैं श्रमिकों के साथ काम करते हुए हरदम याद करती हूँ, कि कोई मालिक का नुमाइंदा एक बंदा आया मिठाई का बक्सा लेकर दिवाली में, और उसने चाहा कि पिताजी आए और वो बक्सा ले ले। मेरे पिताजी अंदर से दरवाजे में आए और उन्हें किसने भेजा है, उन्होंने किसी कंपनी के मालिक का नाम दिया, तो उन्होंने वो बक्सा हाथ में लिया और ऐसा बाहर घर के बाहर फेंक दिया। तो मेरी माँ बहुत ही नाराज हो गई और कहने लगी कि ये तो बिल्कुल गलत है, अन्न कभी ऐसे फेंकते नहीं है, पाँव भी अनाज पर या अन्न पर गिरता तो वो डिस्टर्ब होती थी। तो पिताजी ने कहा तुमको समझता नहीं है, तुम चुप बैठो। तो मेरी माँ ने कायम ये कहा कि ये इस प्रकार से गुस्सा करना कहाँ तक ठीक है, और पिताजी को लगा कि उस प्रकार की कृति कार्यवाही जरूरी थी क्योंकि उन्होंने श्रमिकों का बोनस मंजूर नहीं किया था दिवाली के पहले, और दिवाली में मिठाई खिलाने आना एक लाच लुचपन जैसी। तो ये दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हर जगह मैं देखती थी, बहुत इर्द गिर्द में और नजदीक, और कहीं ना कहीं उससे ही अपनी चुनौती और अपना चुनाव दो मूल्यों के बीच होता रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। तो मेधा जी, आप फिर राष्ट्र सेवा दल में भी सक्रिय रही, आई थिंक बालिका थी आप तब भी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि जो राष्ट्र सेवा दल का पूरा कल्चर था उसमें अहिंसा की क्या भूमिका थी, एक साधन के रूप में और एक असूल के रूप में भी।
एक साधन के रूप में अहिंसा एज वैल्यू एंड एज प्रैक्टिस। देखिए राष्ट्र सेवा दल जहाँ से मेरे माता पिता भी दोनों आए थे और उसी से उनका विवाह हुआ था, बचपन से ही थे। और राष्ट्र सेवा दल के भाई वो रानाडे जी हो या एस एन जोशी जी हो, जो जो हमारे घर में या हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में आते मिलते थे, उसमें मधु दंडवते जी भी थे। मूल्यों में समाजवादी विचारधारा, उनकी व्यापक विचारधारा थी, लेकिन उसमें समता का, न्याय का, सर्वधर्म समभाव का जो मूल्य था, उस मूल्यों को हासिल करने के तौर तरीके भी सहजता से उनके सोच में, उनकी चर्चा में मुझे सुनने मिलते थे। ये एक बहुत ही, क्या कहूँ, भाग्य कहूँ या बहुत ही महत्व की हासिली थी। मुझे याद है कि मैं घर से बाहर निकलते समय बैरिस्टर नाथपाई जी का बड़ा फोटो हमारे यहाँ लगा हुआ था और दूसरा यूसुफ मेहर अली जी का, और दोनों को मैं चुपचाप, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे देखेगा, तो मैं नमस्कार करते हुए ही घर से बाहर निकलती थी, पहले शाला में जाना हो या कॉलेज में। तो ये सब चीजें इन लोगों को एक आदर्श रूप में देखते हुए कहीं ना कहीं पहुंचती रही और दिमाग पर दस्तक देती रही, ऐसा कहिए। पर वो उन सब विचारधारा के लोगों के साथ जो दिल से भी जुड़ाव था भावना से, उसके कारण भी इन तमाम मुद्दों पर एक महत्व का आधार रखते हुए कहीं ना कहीं जिंदगी आगे बढ़ी। और राष्ट्र सेवा दल के शिविरों में जब जाने लगे, सातवीं के छुट्टी थी मेरे ख्याल से गर्मी की, और उसमें फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना हुआ, और ग्रामीण क्षेत्र में फिर किसान के साथ खेती में लग जाना, कुएं खोदना। मुझे याद है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी कुएं खोदने से इनकार नहीं करते थे, और फिर बाकी लड़कियां जो थक जाती थी उनके पांव दबाना, उनको मालिश करना, ये सब उसे एक जिम्मेदारी से लगती थी। तो ये सब होते हुए ग्रामीण क्षेत्र की जो एक शांति थी और एक कष्टमय जीवन था और एक स्वावलंबन की पूरी व्यवस्था थी, चमक धमक नहीं थी, सादगी थी, ये सबसे मुझे बहुत प्रभावित किया था। और मैं बहुत चाहती थी मातृ मंदिर जैसी संस्था, जहाँ विजय नारकर जी थे, हलबे मौसी जी थी, शांता भाभी थी, ये ऐसे कुछ लोग थे जो एकदम धरातल के कार्य से जुड़े थे। तो उनके साथ जुड़े रहने में जो एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिलती थी, वो उस किसान से भी मिलती थी जिसके साथ जुड़े थे। और इसमें जो अलग अलग मूल्यों पर हमारे बौद्धिक होते थे, उसे बौद्धिक कहा जाता था, जो प्रबोधन के सत्र होते थे, उसमें मुझे दोनों याद है, अहिंसा भी और श्रम प्रतिष्ठा भी। और इसमें कभी अदुनाथ थप्पे जी आते थे, कोई कोई आते थे, लेकिन इसमें बहुत ही दीर्घ या क्या बोले हैं, गहराई में उतर कर वो बात ऐसी जैसे पंखुड़ियों से एक फूल खिलता है, उस प्रकार से एक एक संकल्पना को, एक एक कॉन्सेप्ट को खोलकर बताते थे। तो वो एक बहुत बड़ा आधार था अपने विचार बनाने में। आजकल कई सारे बच्चों को इस प्रकार के बौद्धिक मिलते नहीं है, जो मिलता है वो व्हाट्सएप पर आता जाता झकझोरता चला जाता है, और वो टच एंड गो वाला होता है हर प्रकार से सोचे तो, लेकिन वहां ये होता है। और इसमें अहिंसा का विचार सर्वधर्म समभाव से जुड़ता था, और विषमता यानी गैर बराबरी और अन्याय से जुड़ता था, मतलब इन सबके पक्ष में या अन्याय और गैर बराबरी के विरोध में हम लोग अहिंसा से प्रेरित होकर ही कार्यरत रहे, ये अपेक्षा समाजवादी हरदम रखते थे। कभी भी उन्होंने शस्त्र का आधार लेकर हिंसा का जवाब हिंसा से देने की बात नहीं की, और न कहीं भी गैर बराबरी को उन्होंने कभी सम्मान दिया, अपने विचारों में स्थान नहीं दिया, और अपने कार्य में उस गैर बराबरी की खिलाफत एक बहुत बड़ी मंजिल मानकर वो हरदम हमारे साथ संवाद करते थे। तो उस समय हम तो इतने गहराई से पढ़े लिखे नहीं थे उन सामाजिक विषयों पर, और बाद में जब मैं पढ़ती भी गई समाज कार्य में भी,
तब ये हिंसा हिंसा के बीच दूरी या फर्क, ये कितना महत्व का मुद्दा है समाज कार्यकर्ताओं के लिए, ये मुझे समझ में आया। और उस समय याद आती रही राष्ट्र सेवा दल के इन तमाम कार्यों की, जिसमें रचनात्मक कार्य में भी और संघर्ष में भी अहिंसा का आधार ही सत्य का आधार माना जाता है। फिर जब आप टिस पहुंची, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वहां आप पीएचडी कर रही थी, तो उस माहौल में तो शायद इस प्रश्न पे काफी टकरार भी हुई होगी, क्योंकि जो सोशल साइंसेस की दुनिया है उसमें तो ये माना गया है, एक पक्ष तो ये मानता है कि जो पीड़ित हैं उनके हिंसा जो है वो वाजिब है। तो उस माहौल में आप, और उस आपके, आप जब काफी उम्र में छोटी थी तो नक्सलबारी का संघर्ष भी शुरू हुआ, तो ये जो पक्ष था कि हिंसा एक जरूरी साधन है पीड़ितों के लिए, इससे आप कैसे जूझी? और वो ज्यादा आपका मतलब बौद्धिक रूप में हुआ कि जब आप घाटी में उतरी एक एक्टिविस्ट के रूप में, तो तब वो जाके ज्यादा आपके लिए स्पष्टीकरण बना? टाटा इंस्टीट्यूट में प्रवेश करने के पहले भी मैं कुछ अपनालय नाम की संस्था से मुंबई के वही मानखुर्द क्षेत्र के गोवंडी के गरीब बस्तियों में पहुंच गई थी। और वहां जब एक समाज कार्यकर्ता के रूप में मैं पहुंची, तब पहला दिन बताती हूँ, पहला दिन रजनी बहन मैं गई एक मुझे रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर में, एक सॉरिस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कह दिया था कि आपको बस खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा, हम तो आपको इतना ही गाइडेंस देंगे कि उस बस्ती में एक कम्युनिटी सेंटर है जो मैं अपना लय को हम लोग दे रहे हैं, तो आप वहां जाकर अपना कार्य शुरू करें। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं पैसे भी राष्ट्र सेवा दल के कार्य के द्वारा गरीब बस्तियों में काम करती ही थी, हर वीकेंड को, हर शनिचर और आइतवार को कहीं ब्लड डोनेशन कैंप्स लो, कभी बच्चों के कार्यक्रम करो, कभी अथामाला बच्चों के लिए चलाओ वगैरह वगैरह। इसलिए मुझे कोई गरीब बस्ती जिसको झोपड़पट्टी कहते हैं वहां जाने से कोई डर वगैरह नहीं था। लेकिन जब मैं उस बस्ती में पहुंची और उस कम्युनिटी सेंटर में मैंने झांका, तो एक युवाओं का ग्रुप जुआ खेलता बैठा, और जैसे मैंने कफ परेड की पुलिस कस्टडी में काफी वर्षों बाद फिर देखा था, वैसा चित्र था। मतलब आधा कम्युनिटी सेंटर एक बड़ा हॉल था, गंदगी से भरा हुआ था, और आधे में थोड़ा गंदगी दूर करके ये लोग बैठे थे। वहां इतना स्टिंक आती थी, ऐसी स्थिति में ये जुआ खेल रहे थे और एक गुंडे जैसे थे। तो मैंने कहा बाप रे, अभी इनके साथ कैसे पेश आऊं। पर मैंने वहां जाकर उनसे बात की, मुझे याद है आज भी जो वही रहता होगा, ईश्वर था उनमें, एक हिंदू लड़का मैं कहूंगी, क्योंकि बाकी बहुत सारे मुस्लिम समाज के युवा साथी थे। और क्या कहूं कि उस दिन मैंने ऐसे ही उनके साथ बात की, बोले आप कौन है, कहां से आई है वगैरह, जरा से मेरी झोली बिल्ली देखकर वो थोड़े शांति से बात किए। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये युवा तो गुंडे बनने के ही मार्ग पर थे, केवल जुआ से ही नहीं, अलग अलग प्रकार से। लेकिन एक एक के घर में पहुंच गई, एक एक से मेरी बात हुई, और कितना फर्क हुआ। ईश्वर के पिताजी, मेरे ख्याल से उनका नाम इकबाल भाई या इस्माइल भाई था, पर वो एक वरिष्ठ दोस्त बन गए। तो मुस्लिम समाज के फिर बड़ी जमात और छोटी जमात से भी बात हुई, और उनके शाह साहब भी मेरे साथ बैठकर बात करने लगे। तो एक प्रकार से कम उम्र में इस प्रकार की एक भूमिका निभाना, ये किस रास्ते से चल सकता है, इसके अनुभव आते। उसी इसमें दलित समाज का भी मोहल्ला था, तो वहां भी गई और फिर हमने एक समता संगठन बनाया। तो एक एक समाज जो वंचित और शोषित होता है वो भी हिंसा नहीं चाहता है मूलतः, ऐसा मेरा मानना है, और गांधी जी का विश्वास यही था।
जिससे हमको अहिंसा में एक विश्वास बनता है और अहिंसा के मूल्य से एक प्रेरणा और ताकत लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अहिंसा कायरता बन सकेगी। अगर हम ये मानेंगे कि लोग तो हिंसक हैं और फिर हम अहिंसा कर रहे हैं, तो एक तो एक झूठा गर्व और झूठा आत्माभिमान हमें आएगा, तो वो ज्यादा लंबा चल नहीं सकता है। अगर हमको ये लगा कि नहीं, समाज भी और मनुष्य भी एक प्रकार से अहिंसा के ही बल पर जीवन जीता है, वो जीत हार की बात नहीं होती है, और जब वो विश्वास ढल जाता है तब या तो वो हिंसक बनता है या तो कायर बनकर वो हार जाता है। तो मुझे लगता है कि टाटा इंस्टीट्यूट के ये ऐसे अलग अलग अनुभव थे। मैंने जब बच्चों के साथ चिल्ड्रंस होम में काम करती थी, एक केस वर्क का हमारा सब्जेक्ट होता था और उसका फील्ड मेरा चिल्ड्रंस होम मानपुर में था, तो वहां भी शिवा नाम का एक गोसावी परिवार का यानी घुमंतु समाज का एक बच्चा, वो मेरी पहली केस थी और उस बच्चों में बहुत एग्रेसिवनेस था। दूसरी मेरी केस थी तंबी। तंबी तो बाद में टाटा इंस्टीट्यूट में एक कर्मचारी बन गया, पर उस समय वो इतना गुस्से में था, तो हमारे केसवर्क के टेक्नोलॉजी से उसको एक हमने एक क्या बोलते हैं सर, कपड़े का बड़ा बॉल बनाकर टांग दिया और उसमें रोज 5-10 मिनट उसको काम करना था और उसमें उसका एग्रेशन निकालना होता है, ये मुझे सिखाया गया। तब भी को वो समझ में नहीं आया, उसको तो अच्छा लगता था कि कुछ नया खेलने को मिला, लेकिन बाद में जब तंबी बड़ा होकर वहाँ टाटा इंस्टीट्यूट में काम करने लगा, ये जो मौका मिला था केसवर्क ग्रुप वर्क और उसके आगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव लेने का, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और वहां जो स्थिति हैंडल करनी थी एक प्रकार से, वो अगर हम अहिंसा से नहीं करते तो क्या करते। एक अहिंसक भी तुलना में जो माहौल था ऐसी बस्तियों में, वो कैसे हम अपने रिश्ते के आधार पर बदल सकते हैं, ये एक चुनौती थी। और वो अंतिम तक अभी भी घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के तहत 2005 से जब हम लोगों ने एक एक बस्ती को कवर किया और पुलिस सामने खड़े होते हुए पूरी बस्ती की महिलाओं ने एक दलित विधवा महिला का घर बनाकर अपना घर का अधिकार साबित किया, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जिसको स्ट्रैटेजिक या टैक्टिकल नहीं केवल मान सकते हैं, जो अपने विचारों को आचारों में और कृति कार्यक्रमों में प्रतिबिंबित होने वाले होते हैं, वो पूरी एक श्रृंखला हम कार्य में बनी रही। तो मुझे लगता है कि टाटा इंस्टीट्यूट का ये योगदान था। और दूसरा, थियोरी पढ़ते हुए हमने मार्क्स भी पढ़ा, पार्सन भी पढ़ा, गांधी भी पढ़े, आंबेडकर भी पढ़े, क्योंकि मेरा विषय ही विकास की अवधारणा का था। तो स्पेंसर कॉन्टे से लेकर पार्सन्स और मार्क्स तक जिस प्रकार से अलग अलग विकास की अवधारणा को अभ्यासते हुए हमने देखा कि विकास में ही हिंसा नकारने वाले वंचितों के पक्ष में हिंसा का स्वीकार करते हैं, तो ये विरोधाभास ही होता है। और अगर आपको कुछ गहराई से और दीर्घकालीन परिवर्तन लाना है, बुनियादी परिवर्तन लाना है, तो आपको पेशेंस, टॉलरेंस मतलब धीरज, सहनशीलता इसका आधार लेकर अहिंसक वृत्ति से ही रिश्ते बनाते हुए चलना पड़ेगा। कितना भी आक्रमण हो, अतिक्रमण हो, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना हो, ये तो कार्य के काल में होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के अनुभव होते हैं, अपने सहकारियों के अनुभव होते हैं, जो कभी इस बाजू कभी उस बाजू दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर एक मंजिल दिखती है और वो मंजिल अगर गरीबों के चेहरे में दिखती है, तो हम तो छोड़ पकड़ नहीं कर सकते हैं और मूल्यों की भी चौखट को हम लोग बदलने नहीं दे सकते हैं अपने मन में और अपने कार्य में। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कार्यानुभव से ही अपने मूल्य और अपने विचार पक्के होते हैं, जो अधिक पकड़ रखते हैं मन पर, दिमाग पर, विचारों में। बिल्कुल बिल्कुल, केवल सैद्धांतिक चर्चा विचार से नहीं आ सकती है वो ताकत, ऐसा मुझे लगता है। वो चाहे लॉकडाउन में हो,
या कभी किसी भी बहुत ही गंभीर समस्याग्रस्त स्थिति में। नहीं, वो तो आपने करके दिखाया ना, क्योंकि जब आप नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और कितना, मतलब हाउ मच वॉज एट स्टेक, लाखों लोगों की जिंदगी जो है उस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जब आंदोलन अपनी शुरुआत में था, मैं 1990 के कुछ पहले 1991-94 तक की बात कर रही हूँ, और तब ये कई बार सुनने में आया कि जो हिंसा के पक्षधर हैं वो आंदोलन से कह रहे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हिंसा की तरफ लाने की उनकी कोशिश थी, तो वो कोशिश को आपने कैसे नकारा? एक मुझे मालूम है कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई पहाड़ी आदिवासी गांवों से, जहां चल चल के पहुंचना पड़ता था और न बोट थी, न रास्ते पर गाड़ियां थी, न गाड़ी के लिए रास्ता था, लेकिन उन पहाड़ों में आदिवासी कभी भी हमको मूलतः हिंसक नहीं दिखे। एक IAS ऑफिसर जो मसूरी में मुझे मिले थे और आज भी वो महाराष्ट्र के मंत्रालय में है, पर नाम नहीं लेती हूँ, उन्होंने ऐसा एक फैलाया था सोच कि यहाँ नर्मदा घाटी में इंटर्न्स नहीं आए तो अच्छा, मसूरी से IAS इंटर्न्स एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी नहीं आए तो अच्छा, क्योंकि यहाँ तो आदिवासी ऐसे हैं कि पीछे से चलते हुए कभी भी आपको तीर मार सकते हैं और हत्या कर सकते हैं। ये जो बात है कि पहाड़ के आदिवासी या बस्ती, गरीब बस्तियों में शहर में रहने वाले दलित, ये सब हिंसक ही होते हैं, ये विचार कई सरकारी अधिकारियों से भी, राजनेताओं में भी और कई समाज के नुमाइंदों में, बुद्धिजीवियों में भी रहता है। तो उसको नकारने के लिए हम लोगों को जो करना पड़ता है वो होता है इन लोगों के नजदीक जाकर उनको अपने साथ लेकर समाज के विविध मोर्चों पर पेश आना। और जब से वो चालू हुआ, मतलब एक छोटी सी 5 लोगों की टुकड़ी कलेक्टर के साथ चर्चा के लिए जाती थी तो हम कितनी तैयारी करते थे और एक डॉर्मेट में नहीं सोते थे, मैं भी और हमारे बुजुर्ग आदिवासी भाई भी, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं थी। शहादा में रहते थे, दुलिया में, सत्कार लॉज में रहते थे, और ये कोई कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे कैसे एक ही डॉर्मेट्री में हम रहे, क्योंकि 14 रुपए में डॉर्मेट्री मिलती थी, उसमें 8-10 बेड्स होते थे, तो हम तो वही पसंद करते थे, हमारे पास ना पैसा था, कभी आइसक्रीम खाकर ही सो जाते थे, 3 रुपए का गोल गोल आइसक्रीम, जिस पर भी कुछ पवार साहब के अधिकारियों ने उनको कहा था कि ये देखो इनके पास बहुत पैसा है, ये तो रात को आइसक्रीम खाते हैं। तो ये जो गैर समझ होते हैं ना, उनमें से एक समझ होता है हिंसा, हिंसा के बारे में, और उसको नकारने के लिए जब हमारे आदिवासी बाहर निकल आए और वो हमारे साथ न केवल मीटिंगों में बैठे, रैलियों में हजारों के तादाद में चले और 25 ही रास्ता रोका हमने, जब वैसा कार्यक्रम था, नहीं तो इतने सालों में हमने रास्ता नहीं रोका, और हम लोगों ने हर बार ये कहा कि हम लोग बाकी समाज को अपनाना चाहते थे, दूर करना नहीं चाहते हैं। और इन आदिवासियों के बीच में अगर कोई एखादा युवा कभी ऐसा बोल जाता कि पुलिस इतने क्यों हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे उनको, तो भी तत्काल उस पर चर्चा लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से एक तत्काल उनको नकारते नहीं, लेकिन उनको साथ में लेते हुए, पर मेजॉरिटी बहुसंख्यक लोग घाटी के अहिंसा के ही पक्ष में थे, तो हमने कोई बड़ा काम किया उनको अहिंसा सिखा कर, ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है। निमाड़ में जहां मैदानी क्षेत्र मध्य प्रदेश का आया और जहां फिर काम करने लगे, तो वहां थोड़े राजनीतिक लोग अधिक थे। हमारे आदिवासियों के गांव में तो राजनीतिक एखादा पोस्टर पहुंचता था, राजनीति कम पहुंचती थी, लेकिन निमाड़ के बड़े बड़े गांव 700 से 3000 परिवारों के वगैरह, वहां तो कांग्रेस भाजपा दोनों के लोग थे और उनको वो राजनीतिक हिंसा हिंसा का अनुभव था ही। तो उनमें से कोई कहते थे कि दीदी अभी ये सब छोड़ो, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं,
अब इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। तो ऐसे जिन परिवारों में इस प्रकार की सोच कहीं ना कहीं होती थी, उनके ही बेटे या परिवारजन कुछ इस दिशा का उल्लेख करते थे, पर उनको किसी ने स्वीकारा। एक तो इसलिए क्योंकि जब पुलिस हमारे सामने आते थे तब भी हमने अलग अलग अनुभव लिए कि जब हमने कभी उनको हाथ नहीं लगाया और हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा उठेगा, ऐसी बातें बहुत जोर शोर से हम करते थे, वो इतनी दिमाग में जाए कि किसी का हाथ उठे ही नहीं, तो पुलिस भी अलग पेश आते थे। पहले आते थे गुस्से से सीना तान कर और फिर बाद में अपनी सभी तलवारें अंदर रखकर थोड़े से मौन हो जाते थे। ये हमारा अनुभव था। महिलाओं के बहुत ही तीखे हमले होते थे शब्दों के, लेकिन वो पुलिसों पर अधिकारियों पर कहीं पहाड़ में पहुंचे तो भी महिलाएं घेर लेती थी, लेकिन कभी भी उनको उंगली नहीं लगाना, ये हम सिखाते थे। एक बार ऐसा हुआ था विश्व बैंक के कंपाउंड में तो हम पहुंच पाए क्योंकि हम बहुत रात भर के सफर करके जनरल कंपार्टमेंट में और नदी पार करके ऐसे पहुंचे थे और वुल्फेन सॉन विश्व बैंक के अध्यक्ष आए थे दिल्ली में और वो तो मिलने को तैयार नहीं थे। और ब्लिंकहॉर नाम के एक अधिकारी पहले सामने आए और उन्होंने जब बहस चालू की तो हमारी भगवान भाई की माँ उन्होंने उनकी सीधी कॉलर पकड़ी, तो मैं तो एकदम, और मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम माँ, तो बोलिए ठहरो ठहरो, तो मैं भी थोड़ी सी रुक गई, देखे तो क्या करती है। पर उन्होंने उस ब्लिंकहॉर्न को एक सवाल पूछा कि क्यों बेटा, ऐसा शुरू करते हुए, तो वो ब्लिंकहॉर्न को बेटा बेटा समझा नहीं था लेकिन वो पिघल भी गया थोड़ा सा, और उनको उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई माँ बहने है कि नहीं। तो इस प्रकार के सवालों से महिलाएं हिंसकता नहीं पर जो मिलिटेंसी दिखाते हुए भी कंप्लीटली नॉन वायलेंट क्वेश्चंस करती थी, उससे एक प्रकार से वायलेंस की फीलिंग से भरे हुए अधिकारी या सामने के व्यवस्था के नुमाइंदे कुछ बदल जाते थे। और वो ब्लिंकहॉर्न अभी मुझे कैम्ब्रिज में, मैं एक दिन लेक्चर देने के लिए गई थी स्टूडेंट्स यूनियन में, तो फोन पर बोलते गए कि मैं आ तो नहीं पा रहा हूँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल जहाँ भी मेरे लेक्चर्स देता हूँ वहां मैं नर्मदा आंदोलन का अनुभव जरूर बताता हूँ। तो ये सभी बातें बताती है कि हमारे लोगों ने व्यवस्था के ऐसे कट्टर आक्रामकता को भी बदल दिया कई बार, और इसकी इन अनुभवों से लोग फिर सीखते गए और हम और विश्वास रखते गए अहिंसा में। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला कई बार हुआ था धुलिया में, 200 लोग जख्मी हुए थे और बंदूक के दूसरे बाजू से पांव के मसल निकाल कर पुलिस उनको आदिवासियों को भागने के लिए मजबूर कर रहे थे, इतना बड़ा हमला था। खैर उसपे किसी को भी सजा नहीं की गई, अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया गया। हम लोगों ने 200 जख्मी लोगों को अस्पताल में देखा, तब तक हमको जेल में डाला गया था, महिलाओं को जिन्होंने कुछ भी हत्या नहीं की थी। लेकिन ये सब होते हुए भी हम लोग कैसे उभर आए इससे, ये हम सोचते हैं तो, क्योंकि लोगों में एक अहिंसक सत्याग्रही पद्धति और रणनीति पर विश्वास बैठा था, इसीलिए हम उभर आ सकते थे। 2017 में जो हमला हुआ था चिखलदा गांव में, जहां 17 लोगों का हमारा उपवास चल रहा था और 7वां दिन था रक्षाबंधन का, और उस दिन हजारों पुलिसों को घुसाया गया, शिवराज सिंह जी की ही सरकार थी, उपवास वालों को घेर कर उठाना चाहा था, तब हमारे बाजू में जो पूरे बच्चे थे, और चिखलदा गांव आधा हिंदू आधा मुस्लिम सर्वधर्म समभाव का था, और वो दोनों प्रकार की बच्चियां, एक लड़ेंगे जीतेंगे और दूसरे एक मुस्लिम नारे लगाते थे, और इतना मतलब एक माहौल बना था
कि इस प्रकार के माहौल में पुलिस भी मैंने देखा, बहुत सारे देखते ही गए और एक एक आंदोलन पर अनशन पर बैठी हुई महिलाओं को साड़ी खींचकर और जिस प्रकार से वो उठाते गए, कुछ तो अपनी लाठियों का इस्तेमाल किया, लाठियों में कीले नीचे लगाए थे लोहे के, उससे बहुत लोगों पर अन्याय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, बहुतों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन कार्यवाही कुछ होती नहीं, कानूनी कार्यवाही हिंसा के सामने होती नहीं। तो फिर क्या हम लोग केवल केसेस दाखिल करें या हिंसा से जवाब दें, इसके बदले अपनी मंजिल को न भूलते हुए अपना अहिंसक मार्ग पर चलते रहना, यही बड़ी बात होती है। कभी कभी कुछ लोग गुस्सा होते हैं कि देखिए कोई सजा नहीं हुई उनको जिन्होंने इतना अत्याचार किया, और हम लोगों को केसेस भुगतनी पड़ रही है, हमको बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है, ये प्रतिक्रियाएं जरूर आती थी। लेकिन अंततः लोग मानते थे कि अगर हम ऐसे नहीं लड़ते 35 साल अभी पूरे हुए अगस्त में, तो जो भी हासिल किया है वो भी नहीं होता। और कुछ लोग जब कहते थे अरे बांध को तोड़ ही देते तो 35 साल लड़ना नहीं पड़ता, लेकिन वो विश्वास आज भी मुझमें नहीं है, क्योंकि बांध को तोड़ देने से भी कुछ नहीं होता, तो हम तोड़ सकते भी थे। पर कभी ऐसी खबरें हमारे विरोध में आती थी कि कोई नक्सलवादी घुस गए हैं, वो बॉम्ब रखने वाले हैं वगैरह, तो उसको जवाब देते देते कभी कभी हम लोगों को सोचना पड़ता था कि क्या जवाब देना भी बात जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको जिन्होंने बदनाम करना चाहा वो भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस सवाल जवाब में आए नहीं। किसी ने भी ना, अपने समर्थक कभी बदल जाते हैं, कभी कोई बुद्धिजीवी दूर से, कभी अधिकारी, कभी राजनेता, बहुत सारे आरोप करते रहे, कभी विदेशी फंड के, कभी हिंसक होने के। हमारे ऊपर हिंसा के आरोप तद्दन झूठे विज्ञापनों में भी दिए गए, पर उसमें कौन थे? कॉर्पोरेट्स के नुमाइंदे थे, जिनके सामने आज भी बदनामी की केसेस तो चलती रही है, लेकिन उसके अलावा हमने कोई उन पर झूठे आरोपों का हमला वगैरह ये नहीं करना था। तो एक प्रकार से हम हर प्रकार से हिंसा भुगत रहे, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से न देने से इस आंदोलन ने तुलना में बहुत ही कम हिंसा भुगती है। और हमारे ऊपर हिंसा करने के लिए छोड़े हुए जो सरकार की ताकतें और बल होते हैं, वो भी थोड़े से संवेदनशीलता के साथ ही देखते हैं। कई सारी पुलिस महिलाएं जो मेरे साथ जेल में 11 दिन मध्य प्रदेश में रही थी बरगी के संघर्ष में, वो भी कहती रही कि हम तो आपके फैंस बन गए 7 दिन में, और मैंने भी उनको खाना मेरे साथ मेरे जैसा नहीं देते थे इसलिए उपवास किया। तो अलग अलग प्रकार से वो रिश्ता कैसे बदल सकते हैं ये सोचे तो आज हमने जो भी शांति से कर सकते हैं इतना अवकाश पाया आंदोलन के लिए, वो मेरे ख्याल से इसी प्रकार की रणनीति से कहो या नीति से कहो आया। मीना, आप इतने बरसों से ढांचागत जो हिंसा है, स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की, उससे आप इतनी बहादुरी से, इतनी वो टिक कर आप जूझ रही हैं, आप अपना हौसला कैसे बनाए रखती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जो ढांचागत हिंसा है वो कम नहीं हो रही, और अब उसके ऊपर से ये क्लाइमेट केओस का खतरा मंडरा रहा है, तो इसके बीच आप अपनी ये जो आपका हौसला है उसको आप कैसे कायम रखती है? नहीं, देखिए कि एक तो अकेले का कोई काम होता ही नहीं है, सब सामूहिक ही कार्य रहा है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग अगर गरीब कहो या प्रकृति से मेहनत से धनिक कहो, ऐसे समुदायों पर हमले होते हुए देखते हैं, तो हम चुप बैठ ही नहीं सकते ना। लॉकडाउन में जब श्रमिक चल रहे थे पैदल पांव में छाले लेकर, तो हमको उपवास में उतरना ही पड़ा, क्योंकि इतना दर्द होता था उनको देखकर भी, और उनको अपनी गाड़ियां उपलब्ध न करवाने वालों पर भी। और इसीलिए एक एक स्थिति में और एक एक परिस्थिति में, जैसे अभी हाथरस जाना ही पड़ा, क्योंकि हम कैसे दूर बैठकर चुप बैठ सकते हैं।
हमारे साथी मॉब लिंचिंग के हर केस में पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल से कि वो दर्द, अगर अपन जिसको एम्पथाइजिंग कहते हैं, सिंपथी नहीं केवल, वो अगर खुद महसूस करते हैं तो हम लोग कार्य में उतरते रहते हैं, और कार्य में उतरकर जब कुछ ना कुछ हासिल होता है तब हौसला बना रहता है, और वो हासिल अपने लिए भी होती है पर जिनके लिए हम करते हैं, इसलिए क्या होती है कि कुछ लगता है कि अपन कुछ कर रहे हैं और कर पाए हैं। वो गर्विष्ठता की बात तो हो ही नहीं सकती, अगर हम इतने बड़े और सफल होते तो आज देश ऐसा कैसे होता, ये समझकर ही नम्रता आती है। लेकिन आज जो भी हो रहा है, महिलाओं पर हिंसा, विकास के नाम पर हिंसा, प्रकृति पर हिंसक हमले, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा बहस आगे बढ़ रही है, उतने हद तक कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, संघर्ष भी और निर्माण भी। हाँ, अभी हमारे किसान लोग खड़े हो गए हैं, पर किसान मजदूरों के बीच का रास्ता अभी भी, रिश्ता और नाता अभी भी पूरा समतावादी नहीं हुआ है। तो हमको बार बार किसान आंदोलन में कहना पड़ता है कि किसान के मतलब खेत मजदूर, पशुपालक, मछुआरे भी है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए जो समाज है, जिनके साथ हम जुड़ गए हैं, वो इस प्रकार से जिन्हें अंतिम स्तर का माना जाता है, पर एक्चुअली वो प्रथम स्तर के होते हैं, वही प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादक वही होते हैं, वितरक वही होते हैं, पूरी सेवाएं उन्हीं से लेकर हम लोग जीते हैं। तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को उनको केवल प्रवासी मजदूर कहना या असंगठित मजदूर कहने से, हमको समझना चाहिए कि वो प्रथम समुदाय है, अंतिम भी नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो प्रथमोदय का कार्य है, अंत्योदय का भी नहीं। और वो कार्य करते करते हम लोग जब महसूस करते हैं कि कुछ तो हमको राहत मिलती है, और ऐसी कई जगह मिल चुकी है, जैसे जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय में एक एक जगह जहां हम पहुंच गए, चाहे बंगाल के हर नदी पर हो, चाहे केरल के कोका कोला फैक्ट्री के सामने हो, चाहे आसाम में या लेप्चा समुदाय में हो, चाहे तमिलनाडु के दलित बस्तियों में हो, चाहे गुजरात के मुस्लिम मोहल्लों में या आदिवासियों के बीच हो डांग के, हम लोग देखा है कि हर जगह अपना हस्तक्षेप नम्रता से, लेकिन बहुत सोच समझकर अगर हम करते जाए तो कुछ तो हासिल होता ही है। आज हम हाथरस में पहुंचे और उनके घर से साथ बातचीत की, तो हमको इतना विश्वास बन गया कि उनकी बात सच है और सरकार के नुमाइंदे झूठेपन को फैला रहे हैं। हाथरस में जिस बेटी पर अत्याचार हुए उत्तर प्रदेश में, वहां हम पहुंचे थे, संदीप पांडे और फैजल खान हमारे साथ में थे जो आज जेल में है। तो ये हिंसा का विरोध करने के लिए अपना हस्तक्षेप किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, ये सब सोच सोच कर हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम कम पढ़ते हैं, हमको बीच में मुद्दा छोड़ना पड़ता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आज तो सैकड़ों मुद्दे हैं और उसको लेकर चलने में हमें काम, समय, ऊर्जा, साधन सब कुछ कम पड़ते हैं। मनुष्य संसाधनों की भी कमी बहुत है आज जन आंदोलन में, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत हो रही है, वेबिनार्स हो रहे हैं, लेकिन जो वर्चुअल नहीं तो एक्चुअल ताकत दिखानी चाहिए, वो कहीं किसान आंदोलन, कहीं मजदूर आंदोलन ही दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से पेश आने से हौसले बने रहते हैं, बढ़ते हैं, और उन सामने वालों के हौसले जरा कम होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो हम और आगे बढ़ते हैं। और इसके सिवाय रास्ता नहीं, अभी तो कानून बदल गए हैं तो कानून हाथ में लेकर खड़े होना मुश्किल है। आज कोर्ट भी हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष रूप से पेश नहीं आ रहे हैं, तो वहां भी कानूनी लड़त जो हमने बहुत सालों तक की, और फिर खुद ही अधिवक्ता न होते हुए कानूनी लड़त में खुद प्लीड करना, पेश आना चालू किया, तो एक और अलग एक विश्वास और आत्मविश्वास आया। ऑर्डर्स भी बहुत सारे मिली पर उनका अमल नहीं होता है, तो फिर लगता है कि कुछ मतलब निकला इससे नहीं, लेकिन बहुत कुछ निकलता है। उसके आधार पर लोग अपना हौसला बना के रखते हैं तो ही हम अपने हौसले बना के रख सकते हैं। और ये विश्वास देना
उन लोगों को जो डूब भुगत कर भी लड़ते रहते हैं, जो बेघर होकर आज टेंशन में पड़ी हुई हमारी दलित विधवा महिलाएं आज भी नर्मदा आंदोलन की अगुवाही में, हमारे मछुआरों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज इतनी सारी बनाई कुल 42, तो जलाशय पर ठेकेदार को आने अभी नहीं दिया है, केवल एक जलाशय पर सरदार सरोवर नाम। ऐसे हर एक में हम लोग पुनर्वास की नीति बदलने से लेकर हजारों को जमीन मिली, 20,000 करीबन, और 40,000 तक परिवारों को घर बांधने के लिए प्लॉट मिला, नीति बदली, तो बहुत सारे जगह के विस्थापित आज हमारी तरफ देखते हैं कि इस आंदोलन में जो पाया उतना तो हमको मिले, पर हम लोगों की मंजिल और आगे की थी, लेकिन वो हम नहीं पा सके, पूर्ण रूप से हम सफल नहीं हुए, लेकिन विश्व बैंक को कहीं हिला दिया, वहां कहीं पैनल बना, तो इन सभी मुद्दों से लोकल टू ग्लोबल जो बोलते हैं वो तो एक अलग मंजिल को देखते हुए बोलते हैं, हम तो एक ग्लोबल के जो ताकतें लोकल पर आक्रमण करती है उनको उनकी जगह दिखा देने का काम करना महत्व का मानते हैं, और उसके लिए एक लोकलाइज्ड ताकत जनशक्ति यही हमारा आधार है, सत्ता नहीं है, वित्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सभी की एक मिलजुल कर योगदान रहता है हमारे हौसले बना के रखने में और बढ़ाने में, अगर पूरी हार जाते शायद हम भी रुक जाते, लेकिन आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है। हाँ, अभी कुछ समय से बहुत दुख दर्द लग रहा है कि क्या इस व्यवस्था के सामने अभी उन्हीं जनतांत्रिक मार्गों से हम लड़ पाएंगे, पर हमने कभी से ग्राम सभा लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा ये नारा देके ही रखा है, विश्व बैंक है साहूकार, जनता बने कर्जदार, तो हम लोग उनकी तरफ देखते नहीं है केवल, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मोर्चे और मंचों की तरफ, हम अपने धरातल पे दो ताकत है, और जन आंदोलनों की राजनीति जो है उसी को अधिक भरोसेमंद मानते हैं। आज मैंने सुना बिहार में जीते हुए लोगों का वक्तव्य, जो जीत कर भी सत्ता में नहीं आ पाए, उन्होंने कहा कि हमें इतना ही एक विश्वास मिला है और इस चीज से ताकत मिली है कि हमने चुनाव को एक जन आंदोलन बना दिया। तो हम तो यही कहते आए हैं बार बार कि जो चुनावी राजनीति में जाना चाहते हैं वो जन आंदोलन बने, और जन आंदोलनों के लोग अपनी अपनी राजनीति को कम कमजोर महसूस न करें। समापन के तौर पर आप नौजवानों को क्या एडवाइस देंगे? आज मैं देखती हूँ कि बहुत नौजवान अहिंसा और के रास्ते पे चलकर समाज में एक एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में शामिल होना चाहते हैं अहिंसा के बल पर, लेकिन उन्हें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, अहिंसा तो बहुत बड़ी चीज है या बड़ी दूर की चीज है, तो वो ऐसे नौजवान अपने भीतर क्या साधना कर सकते हैं, अपने भीतर क्या रोज की जिंदगी में क्या क्या वो छोटे छोटे डिसिप्लिन अपना सकते हैं जिनसे उनको ताकत आए और उनका हौसला और बढ़े जैसे आपका है? देखिए, आज की युवा पीढ़ी के बारे में एक लाइन में उनका वर्णन करना मुश्किल ही लगता है मुझे, क्योंकि हर प्रकार के युवा हमारे इर्द गिर्द में है। हम देखते हैं उन युवाओं को भी जो हमारे गांव में अब लॉकडाउन में घर बैठना पड़ा, कॉलेज या स्कूल बंद हुआ, तो वो लगे रहे हैं निर्माण शालाएं चलाने में। सुनाई दे रहा है ना? जी जी, आई एम हियर। लगे रहे हैं निर्माण शालाएं चलाने में, हमने तो हमारी ऑफलाइन शालाएं चालू कर ही दी अगस्त से, लेकिन साथ साथ इन बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित किया तो उन्होंने निर्माण शालाएं चालू की, तो कहीं 24 कहीं 20 बच्चे, 300 कहीं 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने ही गांव ने निर्माण की हुई निर्माण शाला, ऐसा उसका वर्णन है। और ये अभी एक घंटा हमने कहा कोई भी सामाजिक विषय पर ले लो, तो जो अपने आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासी भाषा नहीं बोल सकते थे, ऐसे बाहर से पढ़कर आए हुए लड़के अब बिरसा मुंडा क्या है और टंट्या भील क्या है ये सब सीखने लगे, आदिवासी इतिहास पढ़ने लगे, और हमने जो जो पढ़ने दिया सर्वधर्म समभाव के बारे में, स्त्री पुरुष लिंग समता के बारे में, वो पढ़ पढ़कर
वो बहुत ही बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक नाट्य पेश किया सांस्कृतिक महोत्सव में श्रमिकों का, तो ऐसा है कि वो यूट्यूब में अभी डाला होगा शायद श्रमिकों के बारे में, कि एक जीवंत चित्र उन्होंने पेश किया जो कि खुद के डायलॉग से बोलते गए। तो ये ऐसे युवा हमें मिले हैं और हमारी जीवन शालाओं से निकले हुए जो युवा है वो कहीं मत्स्य व्यवसाय सहकारी सोसाइटी का काम देख रहे हैं, कोई खुद शिक्षक बन गए हमारी शालाओं में, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, कोई वन अधिकार पर काम कर रहे हैं, कोई पढ़ के आए विज्ञान आश्रम में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज और छोटे लोकल उद्योग। तो अभी हमने चिक्की बनाना चालू किया, हमने सीताफल बेचे तो उससे कुछ हमारी कमाई हो गई और आदिवासियों को हम सही दाम दे पाए। तो बहुत सारी चीजें इन युवाओं से करवाने में, अगर कम पढ़ते होंगे तो हम ही कम पढ़ते हैं। हमारे जो 5-6 हजार युवा निकल गए हैं उनको हमारा यही कहना है कि आप आपके समाज के साथ का रिश्ता तो नहीं तोड़ना, लेकिन व्यापक सामाजिक दायरा नहीं भूलना। नहीं तो व्यक्तिगत करियर, वो चाहे आदिवासी युवा हो चाहे शहर के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और बहुत धनिक परिवार से आए हुए युवा, इन्होंने सबने अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक साल अगर अपनी शिक्षा के बाद भी अगर व्यवस्थित इस प्रकार का परिवर्तनकारी कार्य चुन कर दिया और उसके लिए हमने उनको थोड़ा सा तैयार किया, भले एकदम तैयारी नहीं होगी मन की। हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, पूना के लॉ स्कूल से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, और 50-60 ऐसे युवा इंटर्न्स को हम देखते हैं कि वो जाते समय हर बार ये कहते हैं कि हम तो बहुत ही कुछ नया अनुभव पाकर जा रहे हैं, अब हम नर्मदा आंदोलन के कायम समर्थक और प्रचारक रहेंगे। तो कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपने करियरवाद में खो जाते हैं, पर कहीं हम भी कम पड़ते हैं उनके साथ लगातार संपर्क कर रखने में। तो मेरा आवाहन इन सबको ऐसा ही है कि आप कम से कम 4 दिन गरीब बस्ती में जाकर दिन रात रह दीजिए, तो आपके स्लम के बारे में जो एक सोच है, एक आपका सपना है, वो बदल जाएगा। जैसे वो चक्र सिनेमा देखने से कईयों का बदल गया स्लम के बारे में सोचना, वैसे ही ये हो सकता है। आप आदिवासी क्षेत्र में जाकर आइए 2 दिन, जहां टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है पर आप रहेंगे तो आप प्रकृति के नजदीक जाए या ना जाए लेकिन आदिवासियों के नजदीक जरूर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के मौके माता पिता ने, पालकों ने भी उनके लिए निर्माण करने चाहिए। आज हर एक के हाथ में है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नहीं व्हाट्स डाउन, ये भूल ही जाते हैं फिर। और इस मशीन में जो आज ऑनलाइन के लिए मजबूरी से गरीबों के बच्चों के भी हाथ में देना चालू हुआ है, और जो नहीं कर पाते हैं वो तो शिक्षा से ही फिर से एक मधुवादी ब्राह्मणवादी तरीके से बाहर फेंके जा रहे हैं, पर जिनके हाथ में ये पहुंच रहा है उस स्क्रीन पर उनको तो अहिंसा सेशंस तो नहीं मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं बाजार के चित्र, और चरित्र बदल जाता है, हिंसा के चित्र, अश्लीलता से भरे चित्र, और उससे जो बदलाव आ रहा है, चाहे वो टीवी की फिल्म्स हो चाहे वो अपने मोबाइल में देखने की बातें हो, उससे हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, हमारे किसानी क्षेत्र में देख रहे हैं कि कितने सारे झगड़े लड़कियों को आधार बनाकर हो रहे। आज महिला भी एक जाति का, मजहब का या पुरुषार्थ का, पुरुष प्रधान व्यवस्था में और धर्म प्रधान व्यवस्था में जब एक आधार स्तंभ बन गई है तो उसका दुरुपयोग, उसका वस्तुकरण, उसका उपभोग और उस पर ही अत्याचार और हिंसा, देवी दासी सब कुछ कहते हुए, ये बहुत ही कमाल की बात है। और ये इतने बड़े पैमाने पर फैल रही है और जिसका कारण है कि इन युवाओं के हाथ में क्या है और क्या नहीं है। हाथ में देना चाहिए संविधान, उस संविधान को पढ़ने का मौका और संविधान को समझाने का एक एक तरीका, ये हमारी सामने एक चुनौती है। मैं ये भी कहूंगी कि आज जबकि बेरोजगारी चोटी पर पहुंची है, करीबन 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, तो युवाओं ने अब स्वयं रोजगार से स्वयं निर्भरता पानी चाहिए। यह आत्मनिर्भर भारत घोषणा है,
पर अगर उद्घोषणा करनी है तो धरातल में इर्द गिर्द के संसाधनों से बहुत कुछ कर सकते हैं युवा, और ऐसे युवा आज निकल आ रहे हैं। कोई केवल दुकान ही शुरू करे, पर कोई अपनी तकनीक की चुनौती समझकर अपने इर्द गिर्द से कहीं पेड़ों से, कहीं जंगल की जड़ी बूटियों से, तो कहीं उपलब्ध पानी से, उपलब्ध सूर्य ऊर्जा से बहुत सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं अपने समाज की। ऐसे आर्किटेक्ट्स में देख रही हूँ, ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ में देख रही हूँ, तो युवाओं से ही ये होना चाहिए। दूसरा, जो जन आंदोलनों में सीधे उतरने वाले युवा है वो तो बहुत ही सलाम करने लायक है। आज किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, जो हमारे युवाओं ने लॉकडाउन में दिन रात काम किया, ऊना के, वर्धा के, नासिक के, धुलिया के, मैं कितने नाम ले लूं, पर उन्होंने एक बहुत सारा एक एक सफलता और एक आत्मविश्वास हासिल किया कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हम कुछ काम आ सके। तो जो निराशा और जो अविश्वास निर्माण हुआ था खुद के ही कार्य पर, वो कहीं ना कहीं पोछा गया। तो ऐसे युवाओं ने अब आगे भी चलकर केवल संकट काल के समय में नहीं, पर हर दम हर नागरिक की बुनियादी जरूरतें जब तक पूरी नहीं हुई है, तो मशाले लेकर चलना, केवल दिए दीपावली के नहीं जलाना, ये समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम बूढ़े हो गए तो हमारा हाथ की जिम्मेदारी, हाथ का कार्य ना, नेतृत्व तो सामूहिक रहता ही है, उसमें युवाओं का अपना योगदान रहता है, भले उनका नाम माध्यम में आए ना आए, लेकिन उन सबको अब बहुत आगे आकर अपने हाथ में झंडा लेना चाहिए और हमको देना भी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश यह है, नर्मदा आंदोलन में अभी महाराष्ट्र के युवा कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ हाथ में लिया है, बड़वानी में, मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ हाथ में लिया है, पर अभी भी कहीं बुजुर्ग और युवाओं के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, और वो एक रोल्स अलग अलग बदलते हुए परिस्थिति में बदलते हुए एक समन्वय सुदृढ़ करते हुए आगे जाना चाहिए। उसमें कहीं कम पड़ते होंगे तो हम ही कम पड़ते हैं, ऐसा ही मुझे लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने कई भूमिकाएं निभाई, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के देशों में आपकी जो यहाँ ग्रास रूट्स पे आपकी जो कार्य रहे उसको लोगों ने बहुत करीबी से देखा, और आपका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई लोगों से संपर्क रहा। आपको ऐसा लगता है कि आज भी जब लोग भारत को देखते हैं तो अहिंसा के बारे में सोचते हैं, और हमारी जो एक्टिविज्म है, हमारी जो यहाँ ग्रास रूट एक्टिविज्म है भारत में, उसको दुनिया भर में आज भी लोग अहिंसा से जोड़ते हैं या लैंड ऑफ गांधी, ऐसा आपको प्राथमिकता दिखती है? बहुत ही निश्चित रूप से दिखती है। मुझे लगता है कि अभी अभी के क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों ने तो दुनिया को हिला के रखा है, न केवल कोरोना ने, लेकिन पूरे प्रकृति के साथ क्या करो ना, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक प्रकार से चैलेंज किया है, चुनौती दी है, प्रेरित भी किया है। तो वो लोग देखते हैं कि भारत में जो आज तक पिछड़ापन माना जाता था वो सादगी है, वो कहीं स्वावलंबन है, और एक बाजू उन्हीं की घुसपैठ हो रही है, पर वो उस समाज की नहीं है, वो अमेरिका के ट्रंप की हो सकती है, अमेरिका के ब्लैक्स की नहीं है, अमेरिका के कष्टकारी समाज की नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच का झगड़ा राजनीतिक झगड़ा है, पर हमारे बांग्लादेश हो या पाकिस्तानी हो, श्रमिक तो वही है, टेक्सटाइल वर्कर्स, कचरा बेचने वाले और कपड़ा बुनने वाले। तो हम लोग जहां भी पहुंचे हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स को लेकर वियतनाम तक, और अमेरिका के डैम्स पर और श्रीलंका के डैम्स पर जब भी हम पहुंचे, तो हर जगह हमने महसूस किया कि वो कहीं ना कहीं भारत को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। उनकी पहचान गांधी से सबसे अधिक है, वो चाहे मार्टिन लूथर किंग के गांधी जी के बारे के वक्तव्य हो, या ओबामा ने गांधी जी के बारे में क्या कहा वो बात हो, कहीं ना कहीं इन पूरे युवाओं को इसीलिए आकर्षण रहा है गांधीवाद का।
लेकिन वो पूरे समझते हैं ऐसी बात नहीं है, वो अपने स्टाइल से जीवन प्रणाली चलाते हुए भी गांधी को अपनाना चाहते हैं। अब इसको ढोंग नहीं कह सकते हैं, हमारे राजनेताओं में इस प्रकार का ढोंग जरूर है। जो गांधी की हत्या करने वाले हैं वही गांधी का पुतला खड़ा होते ही हार डालते हैं, ये हमारे जीवन शाला के बच्चों ने एक नाट्य में दिखाया था, वैसा हो रहा है। पर जो दूसरे देशों में विश्व स्तर पर कार्यरत युवा है, पर्यावरण के मुद्दे पर, एपर्थिड के खिलाफ, विषमता के खिलाफ या मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले, आज अभी जब लॉकडाउन में प्रतीकात्मक आंदोलन करने पड़े हैं तो मुझे उनकी याद आती है। उन्होंने कैसे छोटे छोटे प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम करते हुए बहुत बड़ा प्रभाव दबाव सरकार पर सत्ता पर बनाया था। हमको भी कहीं ना कहीं अब वहां जाना पड़ेगा। आज भी हमने मास बेस्ड मूवमेंट्स को छोड़ा नहीं है, जनशक्ति को आधार माना है, लेकिन साथ साथ अब अगर ये हमें रास्ते पर आने ही नहीं देते हैं, अगर सांसदों को संसद में सवाल करने ही नहीं देते हैं, तो सांसद हो, विधायक हो, मतलब MLA MP हो या सामान्य जन हो, सभी को अब अपनी मांगे ही नहीं अपना संकल्प कैसे प्रकट करना, इसके अहिंसक सत्याग्रही तौर तरीके क्या है, इसमें आज गांधी होते तो क्या करते, ये सोच कर तय करना पड़ेगा। और वो चुनौती आज हमारे सामने है। इसलिए हिंसा के सामने जो आज धर्म के नाम पर बढ़ते हुए और हमारे साथी माने गए कई कार्यकर्ताओं को निरपराध जेल में डालते हुए शासन अपना हिंसक रूप देखा दे रही है, उसी से वो अपनी वोट बैंक बनाती है, तो राजनीति में ही हिंसा आई है, सीधे सरल खून खराबा भी हो रहा है। और इस प्रकार से जन आंदोलनकारियों को जेल बंद करने की एक अलग हिंसा अब उन्होंने ऐसी अपनाई है कि 125 130 करोड़ लोग कर क्या रहे हैं जनतंत्र होते हुए, चुप कैसे बैठ सकते हैं, ऐसा सवाल कोई खुद को करे ऐसा लगता है। तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोलेंगे, पर हम लड़ेंगे भी और लड़ने बिना नहीं जीतेंगे। और जो एक एक जगह के अनुभव है उसको अब मल्टीप्लाई करना, अलग अलग जगह उसको अपनाना, ये हम निश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेधा।